ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुम्हें उसका है इंतजार क्यों। वो ना मिलेगा अब तुझे अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, फिल्म स्टार शहबाज़ अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, जैसे कि आपने सुना होगा कि रूह की ग़िज़ा जो है वो मूसीकी को हम कहते हैं या कहा जाता है, तो इसी तरह फ़िल्म की भी एक रूह होती है, उसकी भी ग़िज़ा जो है वो मूसीकी ही है। तो आज हम एक ऐसे मौसीकार के मुतल्लिक बात करेंगे जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी मौसीकार हैं, जब उनका नाम लिया जाता है तो वो कहते हैं कि जी वो हमारे उस्ताद हैं। और वाकई उन्होंने जो जो भी काम किया, कितना प्यारा काम किया, बड़े बड़े लोग आए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में जिन्होंने अपना मुकाम बनाया, जो कि मौसीकार थे, उनमें जो सबसे हेड, जो सबसे टॉप पे हम जिनको देखते हैं, और उनका नाम जो है वो मास्टर अनायत हुसैन साहब है। तो उनके मुतलिक जो ज़िंदगी का उनका जो भी हाल अहवाल गुज़रा, जो उनके रिश्तेदारियाँ थीं, वो सब कुछ लेके और जो जो गाना उन्होंने बनाया, उनके क्लिप्स भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और दौरे बरतानिया से वो चले और पाकिस्तान बनने तक उन्होंने बहुत सा काम किया और बड़ा प्यारा काम किया। तो मैंने ये समझा कि उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये आज लोग उनके नाम किया जाए। १९१६ में उनकी पैदाइश हुई भाटी गेट लाहौर में, बड़ा मशहूर इलाका है वो। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के जो बड़े मशहूर एक पटियाला घराने के जो उस्ताद थे, उस्ताद गुलाम अली, उनके उन्होंने बाकायदा गंडा बन वो उनकी शागिर्दी की और उनसे हारमोनियम की तलीम हासिल करनी शुरू कर दी। और बहुत जल्द उन्होंने हारमोनियम पे अबूर हासिल कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने बहुत से थिएटर कंपनियां, जिसको हम कहते हैं उस ज़माने में बहुत थी, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सा काम किया। और उसके बाद बरतानिया में जाके भी उन्होंने मौसीकी दी। और उन्होंने मशहूर ज़माना जो आर्टिस्ट थी ज़ीनत बेगम और रोशन आरा बेगम, इन दोनों के साथ भी उनको काम करने का मौका मिला। ये बहुत बहुत बड़ी हस्तियाँ थी जो कि काबिल ज़िक्र थी, इसलिए मैंने आप वो सारा ज़िक्र जो है आपकी खिदमत में पेश किया। और उसके बाद 1946 से जो फिल्में शुरू हुई उनमें भी उन्होंने मौसीकी देनी शुरू कर दी। और जो पाकिस्तान की समझ ले के पहली फ़िल्म थी, उसका नाम था हचकोले, उसमें भी उन्होंने मौसीकी तरतीब दी। 1956 में एक बहुत मशहूर ज़माना फ़िल्म आई जिसका नाम था गुमनाम, उसका गाना बहुत मशहूर हुआ कि पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के। तो उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपनी जो ज़िंदगी का फिल्मी सफ़र था वो उन्होंने जारी कर दिया और बेपनाह उन्होंने कामयाबियां हासिल की। बाद एक बड़ी मशहूर ज़माना फिल्म आई जिसका नाम था कातिल, तो उसका गाना भी बड़ा उस ज़माने में मशहूर हुआ, जिसके बोल कुछ यूँ थे, ओ मैना ना जाने क्या हो गया कहाँ दिल खो गया। फिर उसके बाद अनारकली फिल्म का एक गाना था, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊँ, हज़ारों ही शिकवे हैं क्या क्या बताऊँ। फिर एक फ़िल्म बड़ी मशहूर हुई जिसका नाम था अज़रा, उसका भी गाना बड़ा मशहूर हुआ, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उस गाने के बोल कुछ यूँ थे, जाने बहारा रक्षे सुखन गुंचा दहन शीरी बदन बदन, जाने बहारा रश्के चमन गुंचा दहन सीमी बदन।
ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुम्हें उसका है इंतज़ार क्यों। इस फिल्म का नाम था एक तेरा सहारा, और उसके बाद बेपनाह उनके बड़े मशहूर मशहूर गाने आए। ऐसे तो नहीं जितने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनको उस्ताद कहते हैं और हम लोग भी उनको उस्तादों में मानते हैं, तो बड़ा नाम था माशाल्लाह उनका। और उनका एक गाना मुझे याद आ रहा है कि मुझे आरजू थी जिसकी, वो पैगाम आ गया है। पंजाबी गानों में भी उन्होंने बड़ा अपना नाम कमाया और बड़ा मशहूर गाना उनका हुआ उस ज़माने में, और भी बड़े मशहूर हुए। तो उसका बोल कुछ यूँ थे कि तड़क तड़क ताली बज दिए। और इस मजंग का जो घराना था मौसीकी के जो बादशाह थे, ये इनमें सिर्फ मास्टर अनायत हुसैन साहब ही नहीं नामवर हुए, उनके जो छोटे भाई थे मास्टर अब्दुल्ला साहब, वो भी बड़े पाए के मौसीकार हुए थे। मैं उनके मुतलिक व्लॉग भी बना चुका हूँ और बड़ा आप लोगों ने पसंद भी किया है, और वो भी किंग थे अपने काम के। और उनके एक और भी भाई थे जिनका नाम था अख्तर हुसैन अखियाँ, वो भी बड़े पाए के जो मौसीकार हुए हैं। और मैडम नूर जहाँ की जो प्यारी प्यारी गज़लें आप सुनते हैं, वो सारी तकरीबन अख्तर हुसैन अखियाँ साहब ने बहुत ज़्यादा उनमें पार्टिसिपेट किया और बहुत नाम कमाया माशाल्लाह। तो इनका जो पूरा ख़ानदान है वो जो मौसीकी के लिहाज से नंबर वन पे हम उनको मानते हैं, और बहुत ही प्यारा और दिल की गहराइयों में उतर जाने वाला ये तीन भाइयों ने मौसीकी का जितना भी प्रोग्राम किया और जो भी किया वो बहुत खूब। उनको दो निगार अवार्डों से भी नवाजा गया, तो सबसे पहला अवार्ड जो था 1965 में उनको फिल्म नायला से मिला, और वो बड़ी मशहूर ज़माना फिल्म थी। और उसके बाद 1975 में उनको फिल्म जादू थी, उसमें उन्होंने बेहतरीन मौसीकी दी, जिससे उनको दूसरा निगार अवार्ड दिया गया। उनकी जो वफ़ात है वो 26 मार्च 1993 में उनकी वफ़ात हुई, और वो क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए और ख़ुदा की ज़ात पाक के पास चले गए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह की ज़ात पाक उनकी जो गलतियाँ कुतहियाँ वो माफ़ करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। और व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को, जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, नए लोग हैं वो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी किया करें मेरे जो व्लॉग हैं, और उस जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आती है, इंटरेस्टिंग वीडियो आती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मिस ना करें। और इसके साथ ही व्यूअर्स, आज के व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।